साइकोलॉजी में इंटर्नशिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है? साइकोलॉजी की इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए? अगर आप डिस्टेंस मोड से साइकोलॉजी कर रहे हैं तो कहाँ कर सकते हैं? बहुत सारी क्वेरी के आंसर लेकर मैं आज आपके साथ जुड़ गई हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इस वीडियो में बताऊंगी इंटर्नशिप्स कहाँ से करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी साइकोलॉजी इंटर्नशिप। पहले ये समझिए कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन को समझता है, उसका बिहेवियर समझता है। हम 10 लोगों में कैसे बात करते हैं, कोई इंसान दूसरे आदमी से अलग बिहेवियर क्यों करता है, कई लोग डरते क्यों हैं, हमारे बिहेवियर का एक एक एस्पेक्ट, हमारे ब्रेन की थिंकिंग कैसे हो रही है, ये सब साइकोलॉजी का मेन बेस है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अगर मैंने चूज किया है बैचलर्स में, मास्टर्स में, तो उसके बाद इसकी इंटर्नशिप करना कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, साइकोलॉजी एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। आपके पास कोई पेन पेपर किताब नहीं है कि जब मैं करने जाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको ह्यूमन से बात करनी है, उनके इमोशनल एस्पेक्ट से बात करनी है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसकी प्रैक्टिस ऐसी है जिसके अंदर इंसान आपके साथ में बैठा होगा, वो आपको बराबर से चीज़ें समझा रहा है, बता रहा है, लेकिन वो मेंटली थोड़ा वीक है, परेशान है, कुछ गो थ्रू कर रहा है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जल्दी स्किल्स को डेवलप करेंगे ताकि आप उन्हें बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काउंसलिंग क्या है हम उसे समझें, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है उसे समझें, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो हमें अप्लाई करनी है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम ऑनलाइन काउंसलर भी हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है, मेरी ये वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की है और बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एग्जांपल से समझाया है कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं बात करूंगी इंटर्नशिप कहां से करें। देखिए, कोशिश करिए कि आप अपनी इंटर्नशिप बैचलर्स से ही शुरू कर दें अगर आप साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। लेकिन कई लोग मास्टर्स में भी करते हैं, वो भी कंप्लीटली ओके है। अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो इंटर्नशिप करिए ही करिए। इंटर्नशिप करने के लिए 3-4 चीजों का ध्यान रखें। पहली चीज ध्यान रखें कि कोशिश करें फिजिकल फेस टू फेस इंटर्नशिप करें। ऐसा कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जिसके पास केसेस अच्छे आते हों और वो केसेस देखता हो। जब हम फेस टू फेस करते हैं तो हम बहुत सारी नई चीज़ें देखते हैं, जैसे पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरा डॉक्टर कैसे उसे ट्रीट कर रहा है, किस तरह का मुझे एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी कोविड है, ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं, तो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल हैं। सिर्फ एक सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए इंटर्नशिप मत कीजिए, सीखने के लिए कीजिए। अगर आप इसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं, क्लिनिकल जाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जाना चाहते हैं, सेंटर खोलना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटर्नशिप फेस टू फेस करें। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जो डॉक्टर आपको सिखा रहा है या जो साइकोलॉजिस्ट आपको सिखा रहे हैं वो लाइव सेशंस लेते हैं। अगर वो फेस टू फेस लाइव सेशन लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर सिखा पाएंगे। सेकंड, कभी भी रिकॉर्डेड ऑडियो अगर रोज़ आ रहा है तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे चला जाएगा और आप नहीं देखेंगे। तीसरी चीज़ समझनी है कि जो भी PDFs दिए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई ज़रूर करें। तो अगर आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी भी ऐसी इंटर्नशिप को ज्वाइन मत कीजिए जो बस चलती जा रही है और हो रहे हैं, आपने अटेंड किया नहीं किया, आप उससे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। एक क्वेश्चन और बहुत कॉमन आता है कि मैम इंटर्नशिप पेड की होती है। देखिए, इंटर्नशिप वहां पेड नहीं होती जब आप काम सीखे हुए होते हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल रॉ हैं, आपको उस प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कोई भी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट आपको सिखाएगा तो वो बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है आपको लर्न कराने में। अपने पेशेंट्स आपको देगा जब उसको पेशेंट लॉस होने का खतरा है, फिर भी आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपसे जो गलतियां हो गई हैं उसे रिपेयर करेगा, तो वो उसके लिए कुछ चार्जेस लेता है। और मैं तो यहाँ रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देकर बेटर एक्सपोजर मिलता है तो अपनी इंटर्नशिप डेफिनेटली करें। अगर आपको कहीं पे भी नॉन पेड का ऑफर आ रहा है जहां पे आपको नहीं मिल रही है, सिर्फ प्रोबोनो पे करा रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। कहीं से आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी इंटर्नशिप डेफिनेटली करें।
आप कहाँ से करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करें कि आपको कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाए, एम्स दिल्ली, निमहांस, एभास, यहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिलती है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो प्राइवेट हॉस्पिटल से कर लीजिए, नहीं तो किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास कीजिए जिसके पास अच्छी रिकॉग्नाइजेशन हो, एटलीस्ट रजिस्टर्ड हो या काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हों। साथ साथ ज़रूरी है कि अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के अंडर कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पेशेंट्स ही मत देखते रहिए, दवाइयों पर ज़्यादा जोर मत दीजिए क्योंकि वो आपका काम नहीं है। कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं उसे देखिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो जरूर चेक कीजिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर दे पाई होगी। अगर आप भी डिस्टेंस कोर्सेज साइकोलॉजी कर रहे हैं तो प्लीज इंटर्नशिप करिए, नहीं तो आपका करियर बहुत ज्यादा खतरे में हो सकता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो इसे, बहुत सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को भेजिए, शेयर करिए। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, डॉक्टर ने ऑफिशियल, मैं भी इंटर्नशिप कराती हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे से डिटेल्स ले सकते हैं। इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना सबसे पहले जरूरी है, लाइक एंड शेयर। सून कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो।